और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रावलपिंडी से यह खबर है जहां घायलों की संख्या वक्त के साथ लगातार बढ़ती जा रही है और ये अभी 17 तक पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पुलिस स्टेशन के सामने एक धमाका हुआ है। धमाका किस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया इसके बारे में अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में दरअसल सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पहलू में वो ये है कि आज पाकिस्तान के सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 11 विपक्षी दलों की रैली लाहौर में हो रही है और मरियम नवाज की अगुवाई में। और सबसे बड़ी बात है कि ये रैली दरअसल पाकिस्तान में इसलिए हो रही है कि इमरान सरकार को सत्ता से हटाना है। और दूसरी तस्वीर, इमरान खान लगातार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि एक आतंकी हमला हो सकता है इसलिए हम रैली की परमिशन नहीं दे सकते, और ये बात कही, और दूसरी तरफ ये धमाका। बिल्कुल, जिसकी वजह से कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि आखिर इमरान को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि कहीं आतंकी हमला होना है, और ये हमला क्या ये जानकर किया गया है कि आज जो लाहौर में रैली होने वाली है पीडीएम की, उस रैली को रोक दिया जाए। हालांकि मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो या फजलुर रहमान, इन्होंने साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम रैली जरूर करेंगे। लेकिन वाकई ये जो तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं आतंकी हमले की, उम्मीद है कि इससे सबक पाकिस्तान लेगा जो आतंक को लगातार पालता पोसता रहा है। वहां हैंड ग्रेनेड से इस हमले की आशंका जाहिर की गई है जिसमें अब तक 17 लोगों के घायल होने की खबर है। रोहित, एक पॉइंट और भी अच्छे जो आपने कहा कि देखिए, इनपुट होने के बावजूद अगर इमरान खान को अगर ये जानकारी थी पहले से, देखिए इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान भी कहता है ना कि हमारे पास इंटेलिजेंस, हमारे पास तंत्र है जिसके पास जानकारी होती है, अगर वो जानकारी थी तो आपने सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्या किए गए थे? यानी आपको आवाम की कदर ही नहीं है, आवाम की फिक्र ही नहीं है, और आवाम की ऐसे जुट कैसे गई इतनी बड़ी संख्या में? दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना थ्रेट्स को लेकर आप लॉकडाउन की प्लान कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मास्क भी कहीं नहीं, भीड़ भी, और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के बाद ये सिक्योरिटी लैप्स जो दिख रहा है, तो इसमें ऐसा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया हो ताकि किसी तरह की सियासत तो होती रहती है रोहित, लेकिन इसका खामियाजा हमेशा भोली भाली आवाम को ही उठाना पड़ता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान की भोली भाली जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 17 लोग अभी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, हो सकता है ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ जाए, हो सकता है कि मौत का आंकड़ा भी धीरे से बढ़ता नजर आए, क्योंकि हैंड ग्रेनेड से हमले की आशंका जाहिर की गई है, और जो भी इसके सबसे पहले चपेट में आता है उसका बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अब स्थिति वहां किस तरीके से है, भगदड़ कैसी मची हुई है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर लाहौर में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मरियम की रैली को लेकर वहां पर आवाम इकट्ठा हो रही है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब्बार चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। जब्बार चौधरी साहब, क्या अपडेट है, 17 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है रावलपिंडी धमाके में? जी ऐसा है, ये रावलपिंडी में मंडीगंज का इलाका है, एक मार्केट है, यहाँ पर एक नामालूम शख्स ने एक जो है वो हैंड ग्रेनेड वहाँ पे फेंका है, और जिस वजह से जिसके फटने से वो फटा है वहाँ पे, और जिसकी वजह से 17 से 18 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। लेकिन ये के जख्मियों में इस वक्त जो हमारी जो हॉस्पिटल जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर किसी के भी कोई क्रिटिकल जो है ना वो होने की इत्तला नहीं है, तमाम जख्मी जो है वो स्टेबल हैं। जख्मियों में तकरीबन 2 बच्चे शामिल थे, उनमें से उनको भी हल्की सी पांव पे चोट आई थी, और उनमें एक खातून भी शामिल है, और बाकी जो है वो तमाम मेल हैं, एडल्ट हैं, तो वो लोग जो है इस बीच एक अहम खबर आ रही है। जब्बार जी आप हमारे साथ बने रहिए, पंजाब सरकार पाकिस्तान की, उसने आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिस तरीके से रावलपिंडी में हमला हुआ है उसके बाद अब पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आतंकी हमले का अलर्ट पहले ही सामने आ चुका है। जब्बार जी एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हैं, क्या एक के बाद एक कोई आतंकी संगठन सक्रिय है वहां पर? देखिए, पाकिस्तान आपको पता है दहशतगर्दी का शिकार है, बड़ी तवील जंग लड़ी है पाकिस्तान ने, तो अभी ये जो अलर्ट है था ये अपना 3 दिन पहले लाहौर में, चूंकि आज जो है वो पाकिस्तान की जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं उनका एक बहुत बड़ा मिलाद पाकिस्तान जो कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, बहुत बड़ी आज उनकी वहां पे रैली है, जिसमें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ना वो आपको पता है पाकिस्तान में अपोजिशन जो है वो इस वक्त मूवमेंट चला रही है, और उसी सिलसिले में लाहौर में एक जलसा हुआ है जिसपे जो है वो इस तरह के अपना जो दहशत गर्दों के हमले का तकरीबकारी का जो कमजोरी के लिए इस तरीके से हमले हो रहे हैं। जब्बार जी वो खदशा जाहिर किया जा रहा था, इस वजह से वहां पर जो है थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। और ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में ये रावलपिंडी में धमाका और धमाके की ये तस्वीर है, 17 से 18 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो घायल हुए इस धमाके में।
तो आतंक को अगर पालेंगे तो उसका क्या हश हो सकता है, उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये तस्वीर पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। शाली का रुख में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।